POSI 3S। ZMIS Lite एक नंबर इतना यूनिक कि वो किसी इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं मिल सकता, जो कि सिर्फ जोड़, घटाव, गुणा या घात लगा के बनी हो होल नंबर्स के साथ। इन मिस्टीरियस नंबर्स को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। ये रहते हैं इरेशनल नंबर्स की दुनिया में, मतलब कि इन्हें आप सिंपली एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन ट्रांसेंडेंटल नंबर्स एक कदम और आगे जाते हैं। ये मना करते हैं खुद को रिप्रेजेंट करने से एज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट्स होल नंबर्स हों। ये फैसिनेटिंग क्वालिटी परेशान कर रही थी मैथमेटिशियंस को सदियों से, और इसी कारण रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज हुई और नंबर थ्योरी का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया। इनमें एक रहस्यमयी ऑरा है जो इंस्पायर करती है मैथमेटिशियंस और एंथुसियास्ट दोनों को। इनका अस्तित्व ही क्वेश्चन करता है नंबर्स की हमारी समझ को और खोलता है एक ऐसा यूनिवर्स जहां मैथमेटिकल वंडर्स बस एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहे हैं। POSI 3S ट्रांसेंडेंटल नंबर्स के रहस्य को अनकवर करने का सफर शुरू हुआ 19th सेंचुरी में जोसेफ लियोविल के काम के साथ। सन 1844 में उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया इन इल्यूसिव नंबर्स का एग्जिस्टेंस। लियोविल के काम ने आगे का रास्ता बनाया फर्दर रिसर्च के लिए इस अनएक्सप्लोर्ड फील्ड में। चार्ल्स हरमाइट, एक प्रोमिनेंट फ्रेंच मैथमेटिशियन, ने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 1873 में। उन्होंने ये प्रूव किया कि मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट ई, जो कि बेस है नेचुरल लॉगरिथम की, वो ट्रांसेंडेंटल है। इस रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी ने और भी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर दी इन यूनिक नंबर्स में। सन 1882 में हर्मिटे के काम को आगे बढ़ाते हुए फर्डिनेंड फॉन लिंडमन ने एक और ब्रेक थ्रू दिया। उन्होंने प्रूव किया कि PI, जो कि रेशियो है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और उसके डायमीटर का, वो भी एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। लिंडमन के प्रूफ के बहुत दूरगामी परिणाम थे, क्योंकि इसने फाइनली ये प्रूव कर दिया कि एक स्क्वायर बनाना जिसका एरिया सेम हो गिवन सर्कल के यूजिंग ओनली अ रूलर एंड कंपास इम्पॉसिबल है। POSI 3S ट्रांसेंडेंटल नंबर्स की नेचर को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें अलग से समझें अल्जेब्रिक नंबर्स से। अल्जेब्रिक नंबर्स एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं जो कि सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस के जिनके कोएफिशिएंट्स होल नंबर्स हों। इस कैटेगरी में रैशनल नंबर्स भी शामिल हैं जिन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है एज फ्रैक्शंस, और साथ ही कुछ इरेशनल नंबर्स भी। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2 हालांकि इरेशनल है लेकिन फिर भी एक अल्जेब्रिक नंबर है। ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसेंडेंटल नंबर्स ऐसे इक्वेशंस के रूट नहीं हो सकते। ये एग्जिस्ट करते हैं अल्जेब्रिक नंबर्स की पहुंच के बाहर और मैथमेटिक्स की दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटी का एक नया लेयर जोड़ते हैं। यही फंडामेंटल डिफरेंस हाईलाइट करता है ट्रांसेंडेंटल नंबर्स की यूनिक नेचर को। इन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता टू सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, जो कि इन्हें अलग करता है उनके अल्जेब्रिक काउंटरपार्ट से। POSI 3S तो चौथा पॉइंट, इरेशनल नंबर्स, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। इरेशनल नंबर्स, जैसा कि उनके नाम से जाहिर होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें दो होल नंबर्स के सिंपल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये इनफिनिट नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, मतलब कि इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस इनफिनिटली कंटिन्यू करते हैं बिना किसी रिपीटिंग पैटर्न के। ट्रांसेंडेंटल नंबर्स इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे इरेशनल नंबर्स ट्रांसेंडेंटल नहीं होते। कुछ इरेशनल नंबर्स जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनके कोएफिशिएंट्स होल नंबर्स हों, जिससे वो अल्जेब्रिक बन जाते हैं। ट्रांसेंडेंटल और अल्जेब्रिक इरेशनल नंबर्स दोनों का एग्जिस्टेंस इरेशनल नंबर्स की दुनिया में मौजूद वैरायटी को दर्शाता है। यह क्लासिफिकेशन ट्रांसेंडेंटल नंबर्स की असाधारण प्रकृति को एक स्पेशल और फैसिनेटिंग सब ग्रुप के रूप में उजागर करता है। POSI 3S पांचवा पॉइंट, फेमस ट्रांसेंडेंटल नंबर्स ई और PI। अनगिनत ट्रांसेंडेंटल नंबर्स में से ई और EPI और PI सबसे ज्यादा फेमस हैं। ये कॉन्स्टेंट्स सदियों से मैथमेटिशियंस को फैसिनेट करते आ रहे हैं और ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ई जो लगभग 2.718 के बराबर है नेचुरल लॉगरिथम का बेस है। ये मैथमेटिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में दिखाई देता है। जो लगभग 3.1415 के बराबर है, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और फिजिक्स में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है।
ई और शार्प आई का हर जगह मौजूद होना ही उनकी इम्पोर्टेंस को मैथमेटिक्स और उससे आगे भी दर्शाता है। पॉजी 3S, छठा पॉइंट, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल, हम कैसे जानते हैं कि कोई नंबर ट्रांसेंडेंटल है? किसी नंबर को ट्रांसेंडेंटल साबित करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है और इसके लिए अक्सर एडवांस्ड मैथमेटिकल मेथड्स की जरूरत होती है। दूसरा सवाल, क्या इन्फिनिट ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, इन्फिनिट ट्रांसेंडेंटल नंबर्स होते हैं। जॉर्ज कैंटर ने साबित किया कि ट्रांसेंडेंटल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल है। तीसरा सवाल, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स के कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं? ट्रांसेंडेंटल नंबर्स जैसे कि ई और APIA के कई एप्लीकेशंस हैं। ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बहुत जरूरी हैं।